हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद नान और आप देख रहे हैं टेक्नो नान यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हेडफोन के बारे में, जो कि HS सीरीज़ के लेटेस्ट हेडफोन है HS60। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज पाकिस्तान के अंदर हेडफोन की बाइंग गाइड भी देता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक हेडफोन ख़रीदने जा रहे हैं या आपने एक हेडफोन ख़रीदना है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन सा हेडफोन बाय करना चाहिए और किस किस तरह के हेडफोन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो हेडफोन्स मौजूद हैं उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो हैं लोकल हेडफोन्स। वो तकरीबन आपको 400 से 650-800 तक के लोकल हेडफोन्स मिल जाएंगे, जो कि लोकल बॉक्स में होंगे और तकरीबन आपको 3.5 से 4 महीने तक का वो टाइम पीरियड देते हैं, इतने इस्तेमाल तक चलते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह के लोकल हेडफोन्स होते हैं, वो मतलब वो भी अच्छे चलते हैं, आप उनको भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उसमें बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं उसमें स्पेस कंपनी है, ब्लडी है और एफोटेक है। तो स्पेस कंपनी का कोई ऐसा ख़ास वायर हेडफोन आया नहीं है, उनके हेडफोन्स होते तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरलेस वाले मौजूद हैं। और उसके अलावा ब्लडी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा गेमिंग हेडफोन्स बनाती है और गेमिंग हेडफोन्स की तरफ ही उसका बहुत ज़्यादा रुझान है। हालांकि एफोटेक जो कंपनी है वो आपको एक ऐसा हेडफोन प्रोवाइड करती है जो कि आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने ऑफिस यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो एफोटेक की जो एक सीरीज़ है जो कि HS सीरीज़ है, जिसमें बहुत सारे इनके मॉडल्स हैं, HS30, HS50, उसी का जो लेटेस्ट मॉडल है HS60 आज हम करने वाले हैं उसका रिव्यू, और वो यहाँ हमारे पास मौजूद है। यह हमारे पास मौजूद है एफोटेक का HS60 और आज इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ साथ इसका करेंगे रिव्यू और देखेंगे कि यह हमें किस तरह की साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, इसका माइक कैसा है, इसकी वायर कितनी लॉन्ग है और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो ये हमारे पास मौजूद हैं एफोटेक के HS60 हेडफोन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एफोटेक की ब्रांडिंग, नीचे लिखा हुआ है HS60। उसके अलावा इसका अब हम करेंगे बॉक्स का ओवरव्यू, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। सो बॉक्स में सबसे पहले आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वॉइस कंट्रोल, माइक है और एडजस्टेबल हेडबैंड, 3.5 mm का प्लग, जो कि नॉर्मल हेडफोन्स की सबकी ब्रांडिंग होती है या फिर सबका जो मेन फीचर होता है वो यही चार चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इसके बैक पे देख लेते हैं तो यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसकी एक जो क्वालिटी दी गई है, एक जो इसकी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी HS60 की, वो ये है कि अगर आप इसके एक मॉडल पीछे का ख़रीदेंगे HS50 तो इसके अंदर आपको ये वाले कुशन देखने को मिलेंगे, हालांकि HS60 के अंदर आपको ये फर वाले कुशन देखने को मिलेंगे जो कि एडजस्टेबल है। आपको ये आप इसमें ये वाला भी लगा सकते हैं और इसके साथ एक पेयर ये वाला भी दिया हुआ है, आप ये भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसके फीचर्स की तो लिखा है स्टैंडिंग एंड क्लियरिटी बेस इम्पैक्ट यू कैन फील। दूसरा पॉइंट है क्वाड्रेट एयर कुशन एर्गोनिक एंड कंफर्टेबल, और आपके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे एयर कुशंस वगैरह हैं, उसके साथ माइक भी है और वगैरह वगैरह। जब हम इसको खोल लेंगे तो इसके और फीचर्स के हवाले से बात करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं जो कि है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20K हर्ट्ज़ तक के। उसके अलावा इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 97 dB है, इंडिपेंडेंस जो है इसकी 32 ohm और केबल की लेंथ जो है वो 2.5 meter, जिससे मुराद तकरीबन 7 फिट के करीब जो है इसकी केबल की लेंथ होगी और इसका प्लग जो है वो 3.5 mm का मौजूद है। चलिए कर लेते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स के अंदर से हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे कुशन्स जो कि समर यूज़ कुशन्स हैं और इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, और इनको अभी जो लगे हुए आए हैं फर वाले कुशन उनसे आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप एक इसको टेबल पे लगाने के लिए आपको एक टूल दिखाई देगा जिसको आप टेबल पे लगा सकते हैं अपने हेडफोन्स को और इसको टांग सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे हमारे एफोटेक के HS60 के एयर हेडफोन्स जो कि यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए चल देखते हैं अब इसका टेस्ट करते हैं, उसके अलावा इसकी माइक क्वालिटी वगैरह टेस्ट करते हैं और आपको इसके साउंड टेस्ट के हवाले से रिव्यू देते हैं। सो ये है हमारे एफोटेक के HS60 हेडफोन, जहाँ पे सबसे पहले आपको सामने देखने को मिल जाती है एफोटेक की ब्रांडिंग। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको इसका मेटल देखने को मिलता है, साइड जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा साल चलने वाली है,
उसके अलावा इसकी स्ट्रेच जो है वो भी काफ़ी है, यानी कि जब आप अपने इसको हेड पे पहनेंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होता है कि कान दब रहे हैं या पेन फील हो रहा है तो आपको वो भी फील नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ से ये एडजस्टेबल है, आप इसको अपने हेड के हिसाब से जितना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो माइक मौजूद है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप इसको जितना चाहें उतना जहाँ चाहें वहाँ जिस डायरेक्शन में चाहें वैसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। कुछ हेडफोन्स होते हैं जिनके माइक ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं और आपके मुंह में आ जाते हैं और मतलब आपको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं होंगे, सो आप इसको थोड़ा सा आगे या पीछे करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइड में आपके लिखा हुआ भी है कि ये राइट का है और ये लेफ़्ट का है, तो वो वाला भी नहीं होने वाला कि आपने उल्टा पहन लिया और माइक आपका पीछे चले गया। उसके अलावा अंदर की जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, अंदर जो इसके फॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इसको तकरीबन एक महीने से रिव्यू कर रहा हूँ और इसकी जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो ये है कि एक दफ़ा आपने इसको अपने हेयर पे पहन लिया, उसके बाद जो इसका नॉर्मल वॉल्यूम है उसके अंदर आप कोई सा भी म्यूज़िक सुन रहे हो या कुछ भी आप सुन रहे हो, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर ना बाहर की आवाज़ आपको अंदर जाएगी और ना अंदर की आवाज़ आपको बाहर जाएगी। सो इसके अंदर जो इसके फर्ज़ की वजह से नॉइज़ डिटेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा हम इसके माइक की जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, माइक जो इसका है उसकी कैसी क्वालिटी है और आपको किस तरीके का साउंड माइक के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा हेडफोन्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एक कंट्रोलर, इस कंट्रोलर को आप अपने यहाँ पे लगा भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप जो है आपकी जो माइक की रिकॉर्डिंग है उसको अचानक से म्यूट भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब गेम बंद करके विंडोज़ में जाके हेडफोन का जो ऑप्शन है उसको म्यूट करना होता है, सो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट वन क्लिक यहाँ से अपना हेडफोन को म्यूट कर सकते हैं और आपकी जो गेम में माइक की आवाज़ होगी वो बंद हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे वॉइस कंट्रोलर भी दिया गया है कि आपको बार बार गेम बंद करके वॉइस कंट्रोल ना करनी पड़े, शॉर्टकट कीज़ यूज़ ना करनी पड़े, आप यहीं से ही वॉइस कंट्रोल कर लें। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है तकरीबन 2.5 mm का वायर इसके साथ मौजूद है। डेस्क के एक कोने में बैठेंगे तो भी दूसरे कोने पे आपको हेडफोन अवेलेबल होगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो केबल्स हैं जो कि कंप्यूटर केबल्स हैं, ये कंप्यूटर हेडफोन है। अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये ग्रीन वाली केबल अपने मोबाइल में लगाएंगे तो आपका हेडफोन और माइक वो भी आपका चलेगा, तो आपको कन्वर्टर ख़रीदने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। मैंने ख़रीदा था लेकिन वो सही नहीं चल रहा, उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसको जस्ट अपने मोबाइल में इनपुट करें और आप अपना हेडफोन और हेडफोन का जो माइक है वो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो अब आप लोगों को जो आवाज़ आ रही है वो A4 Tech Case हेडफोन के माइक से आ रही है। अब मेरा जो बोया का माइक था वो मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है और उसके अंदर आपके पास A4 Tech का जो माइक है वो मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी नॉइज़ डिटेक्शन है, जो सराउंडिंग का साउंड है उसके लिए जो नॉइज़ डिटेक्शन के लिए फॉर्म दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आसपास की नॉइज़ डिटेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करें इसकी माइक क्वालिटी की तो मोबाइल में इसकी माइक क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम है, ख़ास तौर पे किसी भी मोबाइल में अगर आप इसको कंप्यूटर में यूज़ करें उसके अलावा, तो कंप्यूटर में इसकी जो माइक क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं यहाँ पे मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ और कंप्यूटर से अगर मैं शूट करता और कंप्यूटर के अंदर इसका माइक रिकॉर्ड करता या कंप्यूटर के अंदर आपको दिखा सकता कि इसका माइक किस हद तक लेवल को जा रहा है, तो आप लोगों को दिखता कि ये हेडफोन जो है इस लेवल तक के माइक को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक कि मैंने टेस्ट किया था तो ये रेड तक भी जा रहा था। सो आप अपना ही जो हेडफोन का माइक ये टेस्ट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियंस ये है कि मोबाइल के अंदर ये थोड़ा सा हल्का चलता है, बनिस्बत कंप्यूटर में ये एकदम बेस्ट चलता है। तो गाइस ये थे हमारे A4 Tech के HS60 हेडफोन्स। तो अगर आप A4 Tech का कोई भी हेडफोन बाय करने वाले हैं, अगर आप A4 Tech का HS60 बाय करने वाले हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन रिव्यू है। उसके अलावा अगर आप HS50 HS30 बाय करना चाहते हैं जो कि आपको थोड़ी लो रेंज में पड़ेगा तकरीबन 1200 से 1500 तक के, सो आप वो भी बाय कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ बिल्ड क्वालिटी का फर्क है, ये जो आपको फॉर्म है ये थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाएगा और इसकी थोड़ी सी जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। हालांकि HS60 में बिल्ड क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।